ट्विटर के बंदी और ट्विटर के पंछी इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज दूसरे शब्दों में कहता हूं, अकर्मण्य नहीं कहता। आपने ऐसा मुद्दा विहीन विपक्ष नहीं देखा होगा कभी। जनता के मुद्दे अब इनके पास नहीं है, ये इस बात का द्योतक। आप इनके मुद्दे देखो, आप क्या क्या है, अलग अलग कानून, जैसा आपने अभी कहा, बोले भारत बदनाम, ये दूसरा मुद्दा था उनका। आप तो पिछले 15 दिन के ट्वीट तो देखो, पेन ड्राइव, मुर्दों की बातचीत, इंडियन वेरिएंट, ये मुद्दे हैं कमलनाथ जी के। जनहित से जुड़ा एक भी मुद्दा कांग्रेस नहीं उठाती। अब तो स्वास्थ्य वाली बातें भी उनकी खत्म होगी। विपक्ष को राजनीति, मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता को मध्य प्रदेश में राजनीति करनी चाहिए। दिल्ली बैठ के ट्वीट हो रहे हैं, इसका अंदाजा भी करो और इससे कांग्रेस का अंदाजा भी आप कर लो। जनहित के मुद्दे अब कांग्रेस के पास लगभग समाप्त हैं और इसलिए कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। नियत में खोट है, निगाह में वोट है। वोट की अपील करी, आपने कभी सुना वैक्सीन लगाने की अपील के लिए इन्हें ट्विटर जारी किया? आपने एक ट्विटर पे देखा, अभी कोई चुनाव नहीं है पर निगाह में वोट है। आपने कभी इनके ट्विटर पे देखा है कि ये अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हो कि गरीबों के बीच जाओ और काम करो? नहीं, किसी सहायता की अपील करते हुए आपको नहीं मिलेगा, न मजदूर की, न गरीब की, न गांव की। इसलिए मैंने कहा नियत में खोटे और निगाह में वोट।